है, कभी भी स्लाइड हो सकता है। और ये रोड तो बहुत बार वीडियो बन चुका है कि बन नहीं रहा है। और कोई भी गाड़ी आने जाने टाइम अगर ये गिरता है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आप समझ सकते हो किस तरीके से रखा गया। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास, बढ़ते अपनी खबरों की ओर। आज हम बात करेंगे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लोगों को हो रही सबसे बड़ी समस्या के बारे में, और वह समस्या है सड़क की। आप कई सालों से सुनते और देखते आ रहे होंगे कि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के NH4 एवं ATR रोड की दुर्दशा के बारे में यहाँ के लोग कई वर्षों से कई प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की है, परंतु कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई, जिसे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लोग काफी परेशान हैं और हम भी सड़क की हालत दिखा दिखा कर थक चुके हैं, परंतु प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। हमारा प्रश्न अंडमान एंड निकोबार प्रशासन से यह है कि यह समस्या एक दो महीने की नहीं है बल्कि कई वर्षों से चल रही है, और इसे नॉर्थ एंड मिडिल के लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां हो रही है। चलिए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट संवाददाता वल्ली के साथ। तो नमस्कार, न्यूज अब तक में सभी का स्वागत है, मैं हूँ वल्ली। तो आप जानते हो ये जो रोड है NH का रोड बन रहा है, आप सभी को पता है, कालारा जंक्शन से लेके पूरा डिगलीपुर तक। और ये रोड तो बहुत बार वीडियो बन चुका है कि बन नहीं रहा है, लेकिन आज हम रोड से ज़्यादा फोकस करेंगे। आप साइड में देखिए, यहाँ पे जो रोड के लिए मिट्टी काटा गया है, साइड में सबको जमा किया हुआ है, आप देख सकते हो बड़े बड़े पेड़ भी काटे हुए हैं। देखिए कितना बड़ा बड़ा पेड़ का स्ट्रक्चर काट कट के रखे हैं। ये कभी भी, यहाँ बारिश का टाइम है, कभी भी ये स्लाइड हो सकता है, और कोई भी गाड़ी आने जाने टाइम अगर ये गिरता है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आप समझ सकते हो किस तरीके से रखा गया है। इस तरफ भी देखना चाहेंगे, बड़े बड़े पेड़ है। और मैं बता दूँ, पूरा फुल ये जो रोड है जो डिगलीपुर तक जाता है, हर जगह जो है ऐसे ही मिट्टी काट के बगल में ऐसे रख दिए, ना ही यहाँ पे कुछ बन रहा है कि इसको रोका जाए। अगर यहाँ से अगर रिटर्निंग वॉल भी सेफ्टी के लिए इन लोग बनाते हैं तो जो है ये थोड़ा सेफ रहेगा। तो आगे हम आपको दिखाएंगे जो करंट खंभा भी है, आगे जाके हम दिखाना चाहेंगे उसको भी, डिटेल्स में दिखाना चाहेंगे आपको। यहाँ देख सकते हो, यहाँ ऊपर एक घर है, यहाँ से मिट्टी काट है, किस तरीके से स्लाइडिंग होने की संभावना है। देखिए नीचे सारा मिट्टी ऑलरेडी गिर चुका है नीचे, और ऊपर जो है घर एकदम साइड में है कभी, तो इस सब चीज में भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ रोड बनाने में कितना सारा इश्यू है, आप देख सकते। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।